जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स पूरी में। दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एसएससी की तरफ से। एसएससी ने कांस्टेबल जीडी का जो वैकेंसी आने वाला था मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला था, वो पोस्टपोन कर दिया है। मतलब अब जो आपका एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई होने वाला था, अब अप्लाई नहीं होगा मई से। अब कब होगा नहीं बताया गया, लेकिन फ्रेंड्स अभी पोस्टपोन का नोटिस जारी कर दिया गया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या नोटिस आया हुआ है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो फ्रेंड्स इस नोटिस को देखने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फ्रेंड्स आप ऑल जॉब्स फॉर यू डॉट कॉम पर भी जाकर देख पाएंगे। जैसे आप इस पेज पे आएंगे आपको आ जाना होगा नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट न्यूज़, और यहाँ फ्रेंड्स 7 मई 2021 यानी कि आज ही का अपडेट निकल के आया, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ फ्रेंड्स नोटिस पे आपको जैसे नोटिस पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इसका नोटिस डाउनलोड कर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोटिस है यहाँ पर आप देख पाएंगे। और ये कोविड की वजह से कैंसिल पोस्टपोन किया गया, जैसे यहाँ पे एसएससी एसएसएल का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको सीजीएल का देखने को मिल जाएगा, एग्ज़ाम होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे फ्रेंड्स आपको और भी जानकारी नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो फॉर्म अप्लाई होने वाला था कांस्टेबल जीडी का, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया था। इसने बताया था कि इसको क्लियर किया जाएगा, आपको क्लियर बता दिया जाएगा मई के फर्स्ट वीक में कि कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स अब फाइनल आज एक नोटिस जारी किया गया 7 तारीख को, और इसमें बताया गया कि पोस्टपोन जो इसका वैकेंसी था पोस्टपोन कर दिया गया है, और यहाँ पर नहीं क्लियर किया गया कि कब इसका फॉर्म अप्लाई होगा। तो फाइनल फ्रेंड्स ये अपडेट आपके लिए आया हुआ है, ये अपडेट आप यहाँ से आकर चेक कर लीजिएगा, या ऑल जॉब्स फॉर यू पर भी जाकर आप चेक कर पाएंगे पूरी जानकारी इसका। तो यही बताता हूं आपको इस वीडियो में, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।